अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे मेहमान आए हुए इटली से, मोहम्मद अमीन इनका नाम है और ख़ुद इनका चैनल भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज मेरा इरादा था, क्योंकि इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इटली में स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इनसे मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक सब पूछूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, कितने किस्म के जॉब्स है और मंथली इनकम आपकी कितनी हो सकती है। तो ये सारे सवाल इनसे हम करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीन एंड आई एम बेसिकली स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क्स। तो मुझे थोड़ा सा मतलब 6-6.5 महीने हुए हैं इटली आके, थोड़ा सा एग्जाम सीजन चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था सब कुछ, तो थोड़ा सा हमने वेकेशन टाइम निकाला। तो आज स्पेन हमने विजिट किया, अभी आज जिरोना में स्टे किया वैसे यहाँ पे के पास, तो कल रात में इंशाल्लाह हम बार्सिलोना के लिए निकलेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इटली से, मुझे अभी तक इतना ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैं कुछ दूसरे कंट्री में आया हुआ। मुझे वही लग रहा है कि शायद पीसा का ही कोई पार्क है या शायद इटली का कोई दूसरा सिटी है। यूरोप की खूबसूरती यही है कि मतलब सारे के कंट्रीज मोर ऑर लेस एक जैसे ही हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर इटली में पार्ट टाइम जॉब फाइंड करना इजी है या मुश्किल है और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, देखिए इसमें सबसे मैं कहूँगा कि चैलेंजिंग ऑब्स्टिकल आप कह लें वो ये है ना, वो लैंग्वेज है। शायद वो ये चीज़ पूरे यूरोप में एप्लीकेबल है कि मतलब कहीं भी आप जाते हैं हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है। यहाँ के लोकल्स का इंग्लिश से कोई खास अच्छा ताल्लुक नहीं होता, मतलब आप इवन के बैंक्स में आप जाते हैं या आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, इवन के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे उतनी अच्छी इंग्लिश उनको नहीं आती और बास लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आती। कम्युनिकेट करने का जो सबसे पहला चैनल ही होता है वो लैंग्वेज होता है। जब वही आपके पास नहीं होती तो बहुत स्ट्रगल करते हो आप हर चीज़ के अंदर। और जॉब एक ऐसी चीज़ होती है, बींग ए स्टूडेंट आप जाहिर है कि अपनी फील्ड में जिस चीज़ में आप बेसिकली डिग्री अपनी कंप्लीट करने आए, आप इतने एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते, इतने प्रो हो नहीं सकते कि वो जॉब आपको फॉरन मिल जाए, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड होते हैं। उसमें यह होता है कि आपका वो आप और जॉब्स को टारगेट करते हो, जैसे रेस्टोरेंट्स में जॉब करना, डिलीवरी करना, ठीक है, किसी कोई क्लीनर की जॉब करना। खैर क्लीनर तो बहुत ज़्यादा समझ लें कि लोग नहीं प्रेफर करते इसको, लेकिन बहरहाल ऑप्शन होता है ये भी। रेस्टोरेंट्स लाइक पिज्ज़ा डिलीवरी और इसी तरह की जॉब्स होती हैं वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आपने खाना अगर आपने डिलीवर करना तो एक जगह से आपने एक चीज़ उठानी है, दूसरी जगह ले जाकर उसको डिलीवर करनी है, पैसे उसमें अच्छे बन जाते हैं। लेकिन देन अगेन उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको। एक तो लैंग्वेज डिलीवरी एक ऐसी जॉब है कि जिसमें लैंग्वेज का शायद इतना इनपुट नहीं होता, थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज आ जाती है इंसान को। लेकिन अब हमारे पास इटली में इशू ये होता है कि जो हमारा रेजिडेंस परमिट होता है परमेसो दे सुजोर्नो, वो हमें मिलता है कोई समझ लें कि 7-8 महीने के बाद जाके। मेरे 4 महीने हो गए फिंगरप्रिंट्स को और मुझे अब तक नहीं मिला, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत समझ लें कि एक ड्रॉबैक है इटली के अंदर, मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ऑन एन स्केल ऑफ लाइक 1 to 10 आई थिंक इट्स 7.5। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट करो तो जॉब आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ ना हो। अच्छा, प्रो टिप ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे बैठे रहे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास जॉब्स आएंगी, लोग कहेंगे कि पाकिस्तान से एक खूनखार तालिब इलम आया हुआ है और उनको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं और इतने इतने यूरोज ऑफर करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद निकलना पड़ेगा, आपको हरकत करनी पड़ेगी और हरकत में बरकत है, तो फिर वो कह रहे हैं कि वो मिल जाएगा आपको जॉब इजीली। सॉरी आपको कट करूं, एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो असल में इटली में सिटीज का भी बड़ा समझने के रोल होता है जॉब्स के हवाले से ना। जैसे बड़े सिटीज़ होते हैं जैसे रोम है, मिलान है, कुछ हद तक फ्लोरेंस भी आप कह लें क्योंकि वो भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ट्यूरिन है, तो यहाँ पे जॉब्स ढूंढना कंपैरेटिवली इजी है रादर देन के आप कसिनो हो गया, तियाना हो गया, इस तरह की जो सिटीज़ हैं। इवन के वेनिस भी एक टूरिस्ट स्पॉट है और लेकिन इतना बड़ा नहीं है वो। इटली अगर फेमस है तो शायद वेनिस का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है उसमें। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जॉब के लिहाज से अगर आप बड़े सिटी को प्रेफर करो तो वो ज़्यादा अच्छा। अगर आप अभी इटली आना चाह रहे हो और आपके पास 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के लेटर हैं, लेकिन अगर आपकी एक भी ऐसी जगह का आपके पास लेटर है जो अच्छी किसी बड़े सिटी में, तो वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस। तो आप जब भी टारगेट करें यूनिवर्सिटीज़ को तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कोई बड़ी सिटी हो, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है। और अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम मंथली कितना अर्न कर सकते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंसेस और उसमें फ़ी हम दे सकते या नहीं दे सकते, तो उसका क्या हिसाब किताब होता है? अच्छा देखें, इटली का मैं आपको बताऊं कि अगर अब वो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आप कितना स्पेंड करते हैं, महीना आप किस तरीके से गुजार। एक स्टूडेंट के लिहाज से मैं अगर आपको बताऊं, मेरे ख्याल से अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहो, क्योंकि देखो अगर आप हर चीज़ अगर आपको एट योर ओन करनी है, जैसे आपको रूम भी, आपको रेंट भी खुद पे करना है, आपको ग्रॉसरी भी खुद करनी है, हर चीज़ आपको खुद करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप प्रेफर करोगे आप एक बहुत ही लग्जरियस से सिंगल रूम में रहें। आप अपने किसी दोस्त के साथ किसी के साथ रूम आप शेयर कर लो, अगर आपका रेंट उससे कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो
इस तरह से अगर आप अपना सारे एक्सपेंसेस लेके चलो तो आई वुड से इट्स अराउंड लाइक 350 to 400 मैक्स। और मंथली इनकम कितनी हो सकती है उन्हें और एक जॉब से? देखिए मंथली इनकम का मैं आपको बताता हूँ, पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट सेम ही है कि 20 घंटे अलाउ होता है पूरे वीक में काम करना। इटली में भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप यही जिस तरह की जॉब्स मैंने आपको बताई हैं, अब इसमें कुछ पेड टास्क भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज अगर डिफरेंट है, आप फ्रीलांस काम करते रहे हो या इस तरह काम करते रहे हो, तो वो आप एजेंसीज को टारगेट करोगे, आप जाओगे अपनी सीवी दोगे उनको, वो आपसे थोड़ा बहुत शुरू में कुछ लेंगे कमीशन, लेकिन वो इवेंचुअली फिर वो आपको सब कुछ खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप 500-600 अर्न कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि देखो यहाँ पे आर्ली वेजेस होती हैं, ठीक है। मिनिमम वेज आई थिंक 6 या 7 इतनी है, 7 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस हिसाब से अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हैं वीकली, तो आपके बन जाते हैं अराउंड 500-600 आप अर्न कर लेते हो, क्योंकि फिर उसमें बोनसेस भी ऐड होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इतना अर्न हो सकता है। ये एक फिगर हमें मिल गया है, रफ साइज से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपके हिम्मत पे डिपेंड करता है और लक पे भी डिपेंड करता है। उधर तो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप भी काफ़ी मिल जाती है, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने फंडिंग पे हो, उसके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं हो अनफॉर्चुनेटली, तो क्या पार्ट टाइम जॉब से वो फी अपना वो दे सकता है या नहीं दे सकता? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, असल में अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देखें ना इटली की, तो फीस उतनी ज़्यादा है नहीं उसके अंदर। जैसे मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी बताऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है मेरी, मेरी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 356 यूरो थी। अब 356 यूरो कितने होते हैं? नॉट इवन 80,000, 75,000 अराउंड इतना कुछ बनता है फिगर। ये फीस कराची की मीडियोकर से मीडियोकर यूनिवर्सिटी, जो शायद आप कभी पढ़ना भी नहीं चाहेंगे वहाँ पे, वो चार्ज करिए पर सेमेस्टर। तो आप नहीं चाहोगे कि मतलब आप एक इंटरनेशनल एक रेनोन्ड यूनिवर्सिटी में आओ, वहाँ से आके डिग्री कंप्लीट करो, और आपको कोई पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं देने, मतलब ये बहुत ही एक मिनिमल अमाउंट है, तो मैनेज हो सकता है। लेकिन देखो वही चीज़ आती है कि आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज किस तरीके से करते हो, कितने पैसे आप बचाते हो, कितने खर्च करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप आते हो तो हर चीज़ आपको बड़ी फैसिनेट करती है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, तो वो फिर एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा आपका भी एक आर्ट होता है उसके अंदर कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो। मेरे ख्याल में क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर आप खुद हार्ड वर्किंग हो और आप एक सेंसेबल यहाँ पर लाइफ गुजारते हो और अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करते हो, और जितनी आपकी अर्निंग्स है, जो आपका स्टेटस है, उसके हिसाब से अगर आपने चलना होता है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आप फीस को भी एकोमोडेट कर सकते हो। उसका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्स आपने हमारे साथ शेयर किए। तो मेरे ख्याल में इटली वन ऑफ द परफेक्ट डेस्टिनेशन है फॉर स्टडी अब्रॉड। जी बिल्कुल, देखें थोड़ा सा मैं इसमें यह ऐड करता हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क आपको करना चाहिए। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, आप इटली आ रहे हैं, आप स्पेन आ रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी, हर कंट्री की डिफरेंट होती हैं चीज़ें। मैं थोड़ा सा ये आपको बोलूँगा कि बजाय लोगों के पास मतलब पैसे जाके उनको देने के, कंसल्टेंट्स के और इस तरह, मतलब थोड़ा सा अपना अगर आप होमवर्क कर लो हर चीज़ के ऊपर, आपको ताकि बैक एंड पे चीज़ों का पता हो कि अच्छा ये इस तरीके से होगा, आपको कोई कुछ भी बोले तो आप फौरन से बिलीव नहीं कर लोगे उसके ऊपर। तो हर चीज़ बड़ा चैनलाइज होती है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस होता है, अगर आप सही तरीके से फॉलो करो तो आप भी बिल्कुल आ सकते हो, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।